अरे भैया, खबर है कि जमशेदपुर पूर्वी में कमल खिल रहा है। अच्छा, देखिए आपको गलत सूचना मिली है, यहाँ से राय जी जीत रहे हैं। कौन बोला आपको? आपको गलत फहमी है, यहाँ से कमल ही जीत रहा है। अब देखो भैया, मैं सच कह रहा हूँ या आपका आकलन सही है, इसका पता 23 दिसंबर को चल जाएगा, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। रघुवर दास के एग्रिको स्थित आवास से 50 कदम की दूरी पर स्थित पान की दुकान में दो उम्रदराज लोगों के बीच हो रहे संवाद की बातचीत का ये हिस्सा है। ऐसी ही चर्चाएं झारखंड विधानसभा की 10 सीटों पर चल रही हैं और उनमें से कुछ बातें तथ्य और अफवाहों की शक्ल में छनकर आ रही हैं। आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। 10 सीटों पर जाने क्या होगा रामा रे, इनमें से 5 पर चुनाव हो चुका, 5 पर बाकी। जमशेदपुर पूर्वी, सिल्ली, कोडरमा, विश्रामपुर और बाकी के नतीजे पर माथा पच्ची। झरिया, चंदन क्यारी, बाघमारा, दुमका और पाकुड़ में मतदान पर टिकी नजरें। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में तीसरे चरण के मतदान के साथ ही 81 में से 50 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया है। अब 2 चरणों में बाकी 31 सीटों पर 16 और 20 दिसंबर को मतदान होगा। मतदाताओं के फैसले की जानकारी 23 दिसंबर को मिलेगी। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि ये चुनाव पूरी तरह भाजपा बनाम विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है। इन 81 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जिनके परिणाम पर पूरे देश की निगाहें हैं। इनमें से 5 सीटों पर मतदान हो चुका है। इनके बारे में जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। जमशेदपुर पूर्वी सीट पर कयासों और अटकलबाजियों की सबसे अधिक जुगलबंदी सुनाई दे रही है। उसी तरह सिल्ली सीट पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी तरह कोडरमा, पाकी और विश्रामपुर के संभावित चुनाव परिणामों के बारे में जोड़ घटाव किए जा रहे हैं। चौथे और पांचवे चरण की जिन सीटों के बारे में जीत हार की चर्चा सबसे अधिक है, उनमें झरिया, चंदन क्यारी, बाघमारा, दुमका और पाकुड़ सीट है। झरिया में जेठानी और देवरानी के बीच मुकाबला है, वहीं बाघमारा में 2 दबंग आमने सामने हैं। दुमका में हेमंत और लुइस मरांडी के बीच जंग है तथा पाकुड़ में आलमगीर आलम तथा अकील अख्तर की साख दाव पर है। चंदन क्यारी सीट पर अमर बावरी और आजसू के उमाकांत रजक के बीच टाइट फाइट है, जैसे रात के आकाश में लाखों तारों के बीच चमक रहे एक चांद की चर्चा अधिक होती है। वैसे ही झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से इन 10 सीटों पर हार जीत के समीकरणों को समझने की रुचि हर एक झारखंडी में स्वाभाविक रूप से है। इन सीटों पर मुख्य उम्मीदवारों और उनकी टक्कर से निर्मित हुई परिस्थितियों की पड़ताल करती दयानंद राय की रिपोर्ट। जमशेदपुर पूर्वी सीट वर्ष 1995 में तब चर्चा में आई थी जब सिटिंग विधायक दीनानाथ पांडे का टिकट काटकर यहां से रघुवर दास को मौका दिया गया था और उसके बाद लगातार 5 बार यहां से रघुवर जीतते रहे। इस बार ये सीट इसलिए चर्चा में रही क्योंकि यहां रघुवर के मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सरयू राय खड़े थे। उनके आने से इस सीट पर जैसे मुकाबला अचानक ही रोमांचक हो उठा। इस सीट पर मतदान हो चुका है और अब सब दम थामे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब नतीजों की घोषणा हो। दरअसल यहां हुए चुनाव के परिणाम न सिर्फ रघुवर बल्कि सरयू राय का भी राजनीतिक भविष्य तय करेंगे, इसलिए यहां मतदान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। जमशेदपुर पूर्वी के बाद दूसरी चर्चित सीट सिल्ली है। यह मुकाबला झामुमो की सीमा महतो और आजसू सुप्रीमो सुदेश के बीच है। तीसरे चरण के चुनाव में यहां गुरुवार को मतदान हो गया और यहां चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई।
पर मतदान खत्म होने के साथ जिज्ञासाओं की झड़ी सी लोगों में लग गई है। हर दूसरा आदमी यह जानने को उत्सुक है कि सिल्ली में सुदेश जीत रहे हैं या नहीं, सीमा महतो को कहां वोट अधिक मिले और कहां सुदेश की चली, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। सिल्ली के हरेक घर में ये चर्चा चल रही है कि इस सीट से किसकी जीत होगी। बीते विधानसभा चुनाव में यहां से झामुमो के टिकट पर अमित महतो जीते थे और फिर अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के कारण उनकी विधायकी चली गई थी। तब उपचुनाव में उनकी पत्नी सीमा महतो जीती थीं और इस बार इस सीट पर सुदेश की प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए सुदेश ने अपना पूरा दम इस सीट को जीतने पर लगाया है। अब नतीजा क्या आता है ये जानने में सबकी दिलचस्पी है। इसी तरह तीसरी हॉट सीट दुमका की बात करें तो संथाल की ये सीट झामुमो की परंपरागत सीट रही है। बीते चुनाव में लुईस मरांडी ने ये सीट झामुमो से छीनकर भाजपा की झोली में डाला था और रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में भी वो मंत्री बनने में सफल रही थीं। लेकिन अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। इन 5 सालों में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी निर्मित हुआ है और झामुमो ने यहाँ बीते चुनाव में मिली हार से सबक लेकर मेहनत भी बहुत की है, इसलिए इस बार वो भी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। पाकी सीट पर भी मुकाबला रोचक है। बीते 3 चुनावों में हार के बाद भी शशिभूषण मेहता ने क्षेत्र नहीं छोड़ा और इसके सुखद परिणाम आ सकते हैं। विश्रामपुर सीट पर ददई दुबे और रामचंद्र चंद्रवंशी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और कौन जीतेगा ये यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता। वहीं बात झरिया चंदन क्यारी और बाघमारा सीट की करें तो झरिया में मुख्य मुकाबला जेठानी देवरानी के बीच है। भाजपा ने विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को टिकट दिया है, वहीं उनसे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने पूर्णिमा नीरज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिमा सिंह रागिनी सिंह की जेठानी हैं। बीते चुनाव में झरिया 2 भाइयों के बीच संघर्ष का गवाह बना था और इस चुनाव में जेठानी और देवरानी के बीच कड़ी टक्कर है। बाघमारा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जलेश्वर महतो ढुल्लू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उनसे मुकाबले के लिए ढुल्लू भी दिन रात एक किए हुए हैं। यहां हवाओं का रुख वोटरों के मूड पर निर्भर करता है। इसी तरह चंदन क्यारी सीट का रण आजसू के उमाकांत रजक और भाजपा के अमर बावरी के बीच है। अमर बावरी के खिलाफ यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है और उमाकांत रजक को क्षेत्र में दिन रात एक करने और चुनाव से पहले गांव गांव घूमकर पद यात्रा करने का फायदा मिल सकता है। पाकुड़ विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस ने यहाँ अपने विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को उम्मीदवार बनाया है, वहीं आजसू ने अकील अख्तर पर दाव खेला है। भाजपा ने यहां आलमगीर के मुकाबले में बेणी प्रसाद गुप्ता को खड़ा किया है। आलमगीर यहां से वर्ष 2005 और 2014 में जीते हैं और अकील अख्तर 2009 में झामुमो के टिकट पर जीते थे। अविभाजित बिहार में 1990 और 1995 में बेणी प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की थी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यहां भी किसी उम्मीदवार की हार जीत को लेकर कोई भी आकलन जल्दबाजी होगी। जनता का मूड कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है, इसलिए 81 सीटों पर हार जीत का सूरत हाल 23 दिसंबर को पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस Facebook पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।